दोस्तों फाइनली हमारे रियलमी के C12 में यहाँ पे 150 MB का ऑफिशियल वर्जन अपडेट आ चुका है। आप देख सकते हैं 13/1/2022 का यहाँ पे आप देख रहे हैं RMX 2189C11C10। इस तरीके से इसमें दोस्तों क्या क्या फिक्स किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस अपडेट यहाँ पे लेटेस्ट एंड सिक्योरिटी पेच यहाँ पे फिक्स किए गए हैं और यहाँ पे फ़ोन को काफ़ी इम्प्रूव किया है परफॉर्मेंस को। यहाँ पे सिक्योरिटी पेच यहाँ पे दिसंबर के जो हमें मिल रहे थे एंड्रॉयड 11 के अंदर वो ख़त्म कर दिए गए हैं, ये यहाँ पे दावा किया जा रहा है। और यहाँ पे ऐप के अंदर भी जो इशू था, ठीक है, इमेज का, वो यहाँ पे कुडंट नॉट बी लोडेड का इशू था व्हाट्सअप इमेज के अंदर, वो भी सही कर दिया गया है। यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन हमें यहाँ पे दे दिया गया है, 150 MB का है। इसे हम अपडेट करते हैं, डाउनलोड नाउ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। आपको अपने फ़ोन में अभी डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये सही है कि नहीं है अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो उसके बाद आप इसे डाउनलोड कीजिए। तो चलिए इसे हम पूरा यहाँ से कर लेते हैं। इस अपडेट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करके सीधा रियलमी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं क्या क्या अपडेट, क्या क्या इसमें इशू थे वो फिक्स किए गए हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 100%। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई होगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी की आपको नहीं दबानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसे अपने आप ही होने देना, 3 से 4 मिनट लेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को कट करके आपको दिखाऊँगा। मोबाइल यहाँ पे आपका ब्लैक नज़र आएगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 मिनट तक आपको वेट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कोई भी बटन कुछ भी आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दूसरा ऑप्शन खोल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फिर से स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी पावर्ड बाई एंड्रॉयड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे स्टेप क्या होता है बताऊँगा आपको मैं। यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिक आपका रियलमी लिख के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पे आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको करना है। अगर आपका फ़ोन थोड़ा बहुत डाउन हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया, तो आप अपने उसे चार्ज पर लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोन में जब पावर होगी तभी ये काम हो सकता है, ठीक है। लगभग 20 मिनट बाद यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये ओपन हुआ, ठीक है। 10-20 मिनट बाद ओपन होने के बाद इस तरीके से हम इसे अब देख लेते हैं इसमें कुछ सिक्योरिटी पेज फिक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरीके से स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरीके से इशू रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि हाल ही अपडेट किया तो सॉफ्टवेयर अपडेट में गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट पर हमने चेकिंग फॉर अपडेट किया, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस नज़र आया, ठीक है। फिर से हम वहीं पर जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ से मैं इस तरीके से बैग चलता हूँ, फिर से जाऊँगा तो ये चेक इस तरीके से, ये देखो यहाँ से भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी पेज देख सकते हैं कितने ख़त्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बेसिकली दोस्तों ये सही चल रहा है पहले से, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो इशू रहेगा इसके अंदर, ठीक है, तो आप अपडेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एंड्रॉयड 11 में कर लिया है तभी आपको ये अपडेट लेना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बिता लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप देख सकते हैं कितने स्मूथ ऐप चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी पेच नहीं ख़त्म हो चुके हैं कुल मिला के, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली ये अपडेट है, कोई फैक्ट नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बता लेता हूँ, अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट में, मिल गया है तो ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बता लेता हूँ, जय हिंद।